हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के आगे बनी हुई रोड को मार्च 2020 में ठीक किया गया था तथा एक तरफ नाला भी बना हुआ है। इस सड़क के दोनों ओर सड़क सीमा से 6 फुट दूर तक सीमेंटेड के चकले लगाकर पक्का किया जाना था ताकि सड़क नहीं टूटे। मार्च में सड़क के दोनों ओर की साइड की तरफ मिट्टी को खोदा गया पर 3 माह बाद भी इस कार्य को आरंभ ही नहीं किया गया है। दुकानदारों को भारी परेशानी भी हो रही है और आने वाले समय में बरसात का मौसम भी है और आने वाले वक्त में बरसात भारी होने की संभावना है। दुकानदारों के अंदर जाने तक के रास्ते बरसात आने पर बंद हो जाएंगे, साथ ही सड़क को नुकसान होगा वह अलग। आपको बता दें कि सड़क से सभी प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी प्रतिदिन निकलते हैं, शायद उनकी नज़र इस ओर नहीं पड़ती है और तो और प्रभारी मंत्री तक इस सड़क पर से बैठकें कर चले जाते हैं, पर मजाल है कि कोई अधिकारी नगर परिषद हनुमानगढ़ से 3 माह से कार्य नहीं करने का कारण तलब कर सके। दुकानदारों का कहना है कि अगर कार्य नहीं किया जाना है तो वापस मिट्टी को तो ठीक कर दिया जाए ताकि हमारा रास्ता तो अवरुद्ध नहीं हो। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन अधिकारी नगर परिषद को इस संबंध में आदेश देते हैं या फिर नई बनाई हुई सड़क के टूटने का इंतजार करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।